हेलो भाई नमस्कार, माय न्यू ब्लॉग चैनल जतिन सिंह ब्लॉग आज आए हैं सफदरजंग का मकबरा दिखाने, जो नई दिल्ली में स्थित है। आपको वहीं ले चलते हैं। दोस्तों, आपको सामने एंट्री गेट दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सुंदर, यहाँ पे आपको घास का नज़ारा भी मिलेगा, पेड़ पौधे जो देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप अंदर जाने की सिक्योरिटी गार्ड के अकॉर्डिंग ही टिकट चेक करा के अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाने का किराया ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, और कैश देना चाहते हैं तो आपको 25 रुपये पर। बच्चों का 15 साल से नीचे का आपका फ्री है, और ऊपर वालों का चार्ज लगेगा। अब आपको अंदर का एंट्री सामने दरवाजे का व्यू दिखा रहा हूँ मैं। देखिए कितना अद्भुत नज़ारे बनाया गया है, जो उसमें अद्भुत कलाकृतियाँ डाली गई हैं। दोस्तों, अब आपको अंदर लेकर दिखाने चल रहे हैं। यह है सफदरजंग का मकबरा, जो मुग़ल साम्राज्य में आखिरी मकबरा माना जाता है। इसके बाद कोई निर्माण नहीं किया गया था। दोस्तों, आप एंड तक बने रहना, आपको धीरे धीरे सारी जानकारी देता रहूँगा मैं। दोस्तों, ये पुरातत्व विभाग के कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, आपको सामने एक नहर दिखाई दे रही है जो मकबरे तक जाती है, और चारों तरफ ये ऐसी नहर बनाई गई है। ज़माने में फुल भरी रहती थी ये। इसका हमारा बैक एंट्री गेट दिखा रहा हूँ, जो हम जिससे निकल के आए हैं अभी। आपका ये उद्यान है, पेड़ के पौधे जो अच्छी कुशलता के साथ बनाए गए हैं। देखिए कैसा अद्भुत नज़ारा है, जो आपको मन मोह लेगा आपका। आप यहाँ पूरी फैमिली के साथ आएँ और बच्चों को लाएँ, और इनके बारे में जानकारी बच्चों को भी दीजिए, ताकि आगे उनके लिए इसकी जानकारी मिल सके उनको। पेड़ पौधे, पत्तियाँ, आपको मन लुभाने में बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब आपको अंदर ले चल रहे हैं। ये फ्रंट गेट है मकबरे का। सामने दरवाजा जो मकबरे में दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे। ये गुंबद है, चारों तरफ बनाए गए हैं गुंबद, जो आप जानते हैं जो किले में डाला जाता है, चारों तरफ गुंबद। अब आपको अंदर ले चल रहा हूँ मैं, जहाँ कब्र बनी हुई है। दोस्तों, अब आपको सफदरजंग के मकबरे के बारे में बता रहा हूँ मैं। और सफदरजंग का जो मकबरा था, अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के शक्तिशाली कुशल प्रधानमंत्री सफदरजंग की स्मृति में नवाब सुजादुद्दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था।
और यहाँ सफदरजंग और उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है, इसे आज भी आप देख सकते हैं और आज भी इसे मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। और जो सेंटर में जो ऊपर इमारत बनी हुई है वो एक गुंबद है जो सफेद संगमरमर से पत्थर से बनाया गया है, बाकी जो शेष इमारतें हैं वो बलुआ पत्थर लाल पत्थर से बनी गई है बनी हुई है। मकबरे के ऊपर जो एक गुंबद बनाया गया है वो जो सफेद संगमरमर से निर्मित है और शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसका स्थापना हुमायूं मकबरे के ढांचे पर ही आधारित है। मोती महल हो गए, जंगली महल और बादशाह पसंद नाम से पेविलियन भी बने हुए हैं और चार ओर पानी की चार झीलें हैं जो चार इमारत को तक जाती हैं। पूरी दिशा में मुख्य द्वार है जो श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है। अन्य इमारतों में लोगों के लिए रहायशी सुविधाएं भी हैं। मुख्य इमारत से जुड़े ही चार अष्टकोणीय मीनारे भी हैं। दोस्तों आपको मैं सारी जानकारी मकबरे बारे में दे चुका हूँ। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं चारों गेट के आपके व्यू दिखा रहा हूँ। ये आपको बाहर की नहर दिखाई दे रही है जो आपको हर चारों साइड में दिखाई देगी। पेड़ पौधे बागान देखिए जो कितनी सफाई से बनाए गए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप देख रहे होंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...